और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हमने उसके बाद अगर वक्त रहा तो छोटी सी एक नात आप तक पहुंचाओ, अगर नहीं तो जैसे आपकी मर्जी समाप्त कर ले, लेकिन मैं समझूंगा कि आप हजरत मेरा साथ देंगे। एक मतलब गलत आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, इतनी दौलत मत दे हिफाजत कीजिएगा, आपके इंशाल्लाह समझ में आएगा कि इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए। मिल गई बुलंदी तो तुम गौर मत करना। मौलाना तहसीन साहब माशाल्लाह सवाल करें खुसूसी तौर पर, मिल गई तमन्ना करे अल्लाह करे ऐसा हो जावे। समाप्त कर ले खुसूसी तौर पर के इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, और जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो मौला, जिंदगी का ऐसे जिंदगी का
एक नात के तीन मिसरे, उसके बाद में फिर जगेलो समाप्त कर ले। हजरत वाला करीब पहुंचने वाले हैं जी। के जहां में आमद खैरुल बरा से तीर की कम गए। भाई सद्दाम साहब और दीगर के सारे साथी, उनकी तरफ से मुझे हुक्म मिला था ये दो तीन मिसरे पढ़ दूं, शायद उनके समझ में आ जावे, उन्होंने पहले सुने होंगे कहीं। जहां में आमद खैरुल बरा से तीर की कम गए। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती अपने ज़हनों में रखें। अल्लाह ने जब हुस्न को बनाया उसके 100 टुकड़े किए, उसमें से 99 एक टुकड़े एक तरफ रखे, जो एक बचा हुआ था उसमें से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा पूरी कायनात को दिया, और जो 99 टुकड़े बचे हुए थे वो आका नामदार रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिए। समाप्त करें यहां से ये मिसरा के जहां में आमद खैरुल वरा से तीर की कम गए।